मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों से लेकर कर्मचारियों के साथ आमजनों के हित में कई फैसले लिए गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग की संबल खिलाड़ी योजना को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत राज्य स्तर के खिलाड़ियों को 25,000 और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में पटवारियों को प्रति माह 3,000 रुपए एग्री स्टेट सर्वे भत्ता मिलेगा। कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने प्रदेश में कार्यरत ग्राम कोटवारों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा भूमिहीन कोटवारों को प्रति माह 8,000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के लंबित 5वें वेतनमान को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स का मानदेय 37,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। इसके अलावा उसके आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश और नियमानुसार स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा। ग्वालियर जिले में पिछोर नई तहसील बनेगी। मुरैना जिले में पोरसा को नया सब डिवीजन बनाने को मंजूरी भी दी गई है। इसी के साथ ही रीवा संभाग के मऊगंज जिले में नई तहसील देवतालाब बनाने को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा लोन योजना के तहत लोन की पात्रता को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने को मंजूरी दी है। एजुकेशन लोन पर लगने वाले ब्याज की 5% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा 65 वर्ष आयु से अधिक के पत्रकार और उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान अब सरकार भी करेगी। इन सभी बातों पर अब अहम निर्णय लिया गया है और यही सब चीजें जनता के हित में कार्य करने के लिए आगे अग्रसर होंगी। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।